आता एक धक्कादायक बातमी येत आहे धाराशिव जिल्ह्यातून. उमरगा तालुक्यातील डॉक्टर जाकीर हुसेन उर्दू प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक स्वतः ऑगस्ट महिन्यात एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून मराठी न्यूज चॅनल तथा सर्व मीडियाला विनंती करीत तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केलाय, ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय की एका धर्मगुरुनं तालिबानी फतवा काढत भारतीय स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच 15 ऑगस्टच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात मुलींना नृत्य करू देऊ नका. मुली या त्या घराची इज्जत असते. अशा प्रकारच्या तालिबानी फतवा शाळेच्या मुख्याध्यापकांना व्हॉट्सअपवर दिल्याचा आरोप स्वतः शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी केलाय. त्यानंतर या शाळेत बऱ्याच घडामोडी घडल्यात. नेमका काय प्रकार आहे पाहूयात सविस्तर वृत्त. सर्वात आधी हा सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओ पूर्ण पहा. न्यूज चॅनल मराठी न्यूज चॅनल के सभी दर्शकों को, जर्नलिस्ट को और पत्रकारों को, मैं नूर अहमद पीर अहमद कानपुर की प्रभारी मुख्याध्यापक डॉक्टर जाकीर हुसैन उर्दू प्राथमिक शाला मुरुंग तालुका उमरगा जिला धाराशिव, मेरा नमस्कार. स्पीच देने की कारण ये है कि इतवार के दिन संडे के दिन 12:06:09 पर एक धर्म गुरु मुरुंग का, जिसका नाम है ने मेरे को एक तालिबानी फतवा व्हाट्सएप पर भेजा है. वो तालिबानी फतवा क्या है मैं पढ़ रहा हूँ. स्कूल वालों से गुजारिश है कि 15 अगस्त या दिगर फंक्शन के मौके पर बच्चियों से डांस ना करवाएं. वो बच्ची किसी घर की इज्जत है, इस्लाम की शहजादी है. इसे यूं सरेआम नीलाम ना करें. इसका मतलब ये हुआ कि मराठी में इसका अर्थ ऐसा होता है कि तुम बच्चों को 15 अगस्त को और दीगर मौके पर जो देशभक्ति प्रोग्राम जो लेते हैं, देशभक्ति प्रोग्राम के ऊपर जो बच्चों से डांस कराते हैं, ते डांस नहीं कराने का, ऐसा उसने कहा है. इससे पहले उसकी सगी चाची हेड मास्टर थी थी, तो वो जब प्रोग्राम जो लिए थे इससे पहले, अच्छा भी नहीं रहेगा जब वो कुछ नहीं बोला हो. अब उसकी चाची हेड मास्टर थी. मैं तो सिर्फ अभी प्रभारी मुख्याध्यापक बन के सिर्फ पाँच छः दिन हो चुके हैं, तो मेरे को ऐसा फतवा डाला. तो ये सोच जो है ये तालिबानी सोच है. ये क्या, इसका मैसेज ये जाता है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो देशभक्ति गीत पर उनकी शान में कसीदे पढ़ना है, देश की तारीफ करना है, तो ये नहीं करना, ऐसा कहता है. तो मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म बाद में, पहले मेरा सर्वश्रेष्ठ मेरा देश है. और मेरे देश के खातिर ऐसा कोई भी तालिबानी फतवा करेगा तो मैं उसके खिलाफ पुलिस चौकी में जाके तकरार करूँगा. तो मैं 4/8/2024 1:30 पुलिस चौकी गए इतवार के दिन, तो वहाँ जाके साहब को बोला, है क्या साहब को, तो नहीं है क्या, तो बोले तो कब आंदेगा, तो 5:30 होगा, तो बोले फिर 5:30 गया. मैं 5:30 जाने के बाद भी PSI साहब मुरुंग के नहीं थे. फिर वो बोले नहीं दूसरे दिन 11:00 आओ. फिर दूसरे दिन 11:00 गया, तो भी दूसरे दिन 11:00 नहीं आए वो, यानी 5 तारीख को नहीं आए वो. फिर शाम में आओगे तो बोले मेरे को 5:30. फिर शाम में 5:30 गया तो भी नहीं थे. फिर मैं वेट किया, 1 घंटा वेट किया, 6:30 आए वो. तो मैं उनको बोला साहब ऐसा सा मैटर है, देशद्रोही व्हाट्सएप पर ये लालेस है, कहते 15 अगस्त को और दिगर फंक्शन को, ये जो बच्चों से पहली से चौथी के बच्चों से जो हम सांस्कृतिक प्रोग्राम लेते हैं, देशभक्ति प्रोग्राम लेते हैं, उसके बाद डांस हो देते हैं, तो इसके बारे में ये नहीं लेना, ऐसा बोल रहा है. तो PSI साहब ये कहे मेरे को कि उसका वैयक्तिक मत है, वो कुछ भी बोल सकता है, मतलब देश के खिलाफ बोल सकता है क्या, देश के खिलाफ कैसा डाल सकता है क्या हम, तो नहीं उसका वैयक्तिक ऐसा मेरे को क्या भी एक्शन लेने नहीं आता. तो बोले तो ठीक है, क्या मैं नहीं आता नहीं तो ठीक है, तुम मेरा FIR नको लो, NC नको करो, मैं जाओ सीधा धाराशिव को SP साहब को मिल दूंगा. ऐसा बोलने की बात थी तो बुला को मेरे को NC नोंद करे. NC नोंद किए तो ये NC का नोंद करे सो फोटो कॉपी है.
तो मेरे को TV9 से न्यूज़ चैनल से मराठी न्यूज़ चैनल से गुजारिश है कि मैं मुरुम में सिर्फ अकेला रहता हूँ, मैं मेरी फैमिली पूरी पूना में रहती है और मेरा कोई भी नहीं है। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं तो इनसे मेरे को जान को धोखा है, और यहाँ के जो स्कूल के पालक हैं उनको भी वो सिखा करके मेरे पर कुछ तो कुछ आरोप लगा के मेरे को यहाँ से मार को तोड़ को भेज देते। मेरी जान को धोखा है, मैं मरूंगा तो मेरे देश के ऊपर मरूंगा, मैं मरया तो मेरे कोई मलाल नहीं रहेगा, मेरे मरया तो मेरे देश के ऊपर बलिदान कुर्बान होऊंगा। लेकिन ऐसी जो धार्मिक सोच रखने वाली तालिबानी सोच, इनके ऊपर ताबड़तोड़ इनके ऊपर एक्शन लेना, इसको अटक करना और देशद्रोही का इसके ऊपर केस चलाना, तो ताकि ऐसा मैसेज आएगा कि कोई दूसरा कभी ऐसा कृत्य नहीं करेगा और ऐसी सोच वाले इंसान ऐसा कभी भेजेंगे नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि TV9 से कि मेरे बैग जो मैं दिया हूँ स्पीच है इसके ऊपर गौर करें और आगे इसको फॉरवर्ड करके जो भी आपसे ये मैटर में मेरी मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए, और मेरे को सुरक्षा की ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है, मेरे को मैं कुछ भी मेरे को भी मार सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ और मेरी स्पीच यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र। हा वीडियो फेसबुक आणि व्हाट्सअपच्या माध्यमातून व्हायरल करण्यात आला होता। मुरुम शहरातील एका फेसबुक खात्यावर हा वीडियो 10 ऑगस्टला अपलोड करण्यात आलेला दिसून येतोय। तर त्यानंतर याच शाळेत या मुख्याध्यापकावर मारहाण झाल्याची घटना घडते आणि शाळेतील एका महिला कर्मचाऱ्यानं विनयभंगाचा गुन्हा या मुख्याध्यापकावर दाखल केलाय। नेमकं कोणत्या कारणावरून मारहाण झाली याबाबतचा एक व्हिडिओ समोर आलाय। मेरा क्या संबंध है, तुम्हारा उनका संबंध है? आज चार जे मेरे मास्टर दिए, आज वो मास्टर मेरे ताबे में लिया, तुम सही कहीं पर करने क्या नहीं, उनको पूछो बात खत्म। तुम्हारे मेरे पास एक भी कागज नहीं है। मेरे को आज तुम मास्टर दिए बात खत्म हुई, मैं आज लिया मेरे ताबे में। अब अगर तुम मुझे देखो उस दिन मैं आज के दिन डेट पर ले तुम्हें रेवादारी करने के मैं किसकी बेटू लगाएंगे ले के मेरे बेटू लगाएंगे मेरे को पहले दिन नहीं यहाँ आने से पहले दिन मेरे को नोटिस था कोर्ट के मैं मर रहा हूँ जाओ अभी तुम दूसरा बोल क्या दे रहा है दूसरा कुछ नहीं मैडम आज मेरे को तुम मास्टर दिए मैं आज मास्टर आज की तारीख पर लिया वो मास्टर मेरे हवाले हुआ वो मास्टर को दूसरे की सहेली रहेंगी तुम मुझे देख लो क्यों ये 3 तारीख 29 30 31 ये 3 दिन में रजे पर था बराबर है रजे पर है किसको देख गए तुम्हें चार जन कुछ तो दीजिए मैं बोले बोलो चार किसको दिए कौन है लो कौन है शिक्षण सेवक है यार मैं कौन हूँ मुझे आज तुम मास्टर दिए मैं आज लिया बात खत्म उनका मेरे क्या संबंध है उनके कहते मेरे पास है क्या कुछ है क्या मेरे पास उनका प्रस्ताव है कुछ है क्या अब ले लू ना दो क्या कहते ले लेता हूँ उनका ले लेता हूँ उनका भी मैंने लेता हूँ उनका मेरी मर्जी अरे क्यों नहीं लेता एक शिक्षा का मेरे पास बात करो मैं जो वो लेगी ना मेरे पास सब लेगी ना शिक्षा नहीं छोड़ो मैं कल उस संचालक का लेटर है तुम्हें ले पाओ तो ले पाओ उस संचालक का लेटर शिक्षण दिन का लेटर ही क्या बात कर रहे हो उस संचालक का लेटर आज के डेट में मेरे पास शिक्षक नहीं है वो भी 29/8/2024 को जो माजी मुख्यमंत्री समृद्धि शाला जो लिखे उसकी विजिट बुक का मेरे पास पूरा प्रूफ है एक शिक्षक तेज मोह म्हणून कार्यरत आहे ऐसा विजिट बुक मध्ये शासनाचे माणूस लिहिलेले आहे माझ्याकडे एक भी शिक्षक नाही मी फक्त एकटाच आहे कुठे सांगा चला हा अपराध घेतला बाकी हैच नाही की रजिस्टरवर सही घेण्याच्या कारणावरून हाणामारी झाल्याची घटना याच शाळेत घडली आहे। मुरुम येथील या शाळेत प्रभारी मुख्याध्यापक एक शिक्षिका आणि त्यांच्या समवेत आलेल्या नागरिकात झालेल्या तक्रारी आणि मारहाणीचं प्रकरण सध्या चांगलंच चर्चेत आलंय त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे। शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापकांनी माझ्याशी मैत्री कर असं म्हणत याच शाळेतील एका शिक्षिकेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा शिक्षिकेच्या तक्रारीवरून मुरुम पोलीस ठाण्यात दाखल झालाय।
दरम्यान प्रभारी मुख्याध्यापक हे शाळेत असताना शाळेच्या रजिस्टरवर सही घेण्याच्या कारणावरून त्यांना मारहाण झाली. जखमी असल्यानं त्यांच्यावर सोलापूर येथे रुग्णालयात उपचार सुरू होते. याबाबत मुख्याध्यापकांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलंय की उपसंचालक शिक्षण विभाग लातूर यांच्या आदेशानुसार धाराशिवच्या शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून शिक्षण सेवक पद रद्द असे पत्र 1 ऑगस्ट 2024 शाळेला प्राप्त झाल्यानं संबंधित शिक्षिकेच्या सह्या हजेरी रजिस्टरवर घेणं बंद केलं होतं. तेव्हापासून त्या आणि तिचा पती नाराज होते. त्यांनी शाळेच्या हजेरी रजिस्टरला सही घेण्याच्या कारणावरून शिवीगाळ करत खुर्ची आणि लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचं नमूद केलंय. आता अर्जदार मेहबूब नूर अहमद कानकुर्ती याने राज्याचे गृहमंत्री, धाराशिव जिल्हाधिकारी, उमरगा उपविभागीय अधिकारी आणि गट शिक्षणाधिकारी यांना 25 सप्टेंबरला निवेदनाद्वारे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात म्हटलंय की नूर अहमद, पीर अहमद कानकुर्ती, मुख्याध्यापक डॉक्टर जाकीर हुसेन उर्दू प्राथमिक शाळा मुरुम, तालुका उमरगा, जिल्हा धाराशिव यांना दिनांक 21 सप्टेंबर 2024 मुरुम गावातील गाव गुंडांनी जबर मारहाण केली आणि खोटे आरोप करून खोटा गुन्हा नोंद केलाय. याची कसून चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करा अशी विनंती करण्यात आली आहे. उर्दू प्राथमिक स्कूल मुरुम, ये मेरे हाथ में कुरान है, कुरान सर पे लेके कसम खाता हूँ और मेरे चार बच्चों की भी कसम खाता हूँ. ये शिक्षण सेविका है और इसका शिक्षण सेविका का वैयक्तिक मान्यता अप्रूवल उप संचालक लातूर ने रद्द किया हुआ है. इसके बाद मैंने 2 महीने से मेरे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं. फिर 21 सितंबर 2024 को और हमारी माजी मुख्याध्यापक मिल को उनके नाते वाले को बुलाकर मुझे स्कूल में लाता कैसे बहुत मारे, इतना मारे बेदम मारे. फिर लोग मुझे दवाखाने में एडमिट करने ले गए और मैं ऐसा बोला गया था कि मेरे साथ मैत्री संबंध बना, तेरे सया ले तू तेरी पगार कर दू. अगर ये बात सही है बच्चों की कसम खाना, कुरान की कसम खा बोलना कि ये सही है. तो फिर अगर उप संचालक लातूर शासन के हैं, लातूर साहब शासन का भी लेगा आदेश पालन करना, अगर गुनाह है तो मैं गुनाह किया हूँ. इसकी वजह से मेरा मुरुम में कौन भी नहीं है, मेरे बच्चे सब गुनाह करते, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी जान को धोखा है, बहुत तकलीफ है, मैं अकेले रहता हूँ, मेरी मदद करो. प्रतिनिधि सचिन बिद्री, NTV News मराठी, धाराशिव.